अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। क्या नाम बताया बहन का? मर्यादा। मर्यादा मर्यादा हाँ। अरे तेरा ये मर्यादा जो है, कहीं मर्यादाएं लांघ गई तो फिर हमारा क्या होगा? आप लांघ जाइएगा साहब। हैं हैं मैं कह रहा तिवारी जी, मेरी बहन का नाम मर्यादा है और उसमें बहुत मर्यादा है, वो कभी मर्यादा नहीं लांघेगी। तिवारी जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी ये इनविजिबल पगड़ी आपके पैरों में। तिवारी जी प्लीज प्लीज, तिवारी जी प्लीज। यस श्योर श्योर श्योर। बस बस इतना भी नहीं, उधर घर ले जाइएगा आप। सॉरी और हम तैयार हैं। तिवारी जी, तिवारी जी आई मस्ट गिव यू अ हग। सोई नहीं अभी तक पगली? नहीं। क्यों नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ ना, हम मर्यादा के बारे में सोच रहे थे। अब तुम्हें मर्यादा के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आइडिया का है? बहुत सोचने विचारने के बाद हमने सोचा कि जब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है, तुम इतना त्याग कर रही हो, तो हमें भी तुम्हारे त्याग का, बलिदान का सम्मान करना चाहिए। हम कुछ समझे नहीं। हम मर्यादा से प्यार करने के, मतलब झूठा प्यार करने के लिए तैयार हैं। आइडिया, कब कब बात कर रहे हैं? आप सच्ची मर्यादा से प्रेम करने के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छे। हमने दुनिया की पहली औरत देखी जो इस बात को लेके खुश है कि उनका पति किसी पराई औरत के साथ प्यार करेगा। पहली ना ही दूसरी, पहली श्रीदेवी थी। वो और श्रीदेवी का पति जब उर्मिला से प्रेम करता है ना एक ठो फिल्म में, तो श्रीदेवी बहुत खुश हुई थी। अब ऐसे ले क्योंकि भैया आप वो मर्यादा के साथ प्यार कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब जैसे प्यार करते हैं वैसे करेंगे? नहीं नहीं आइडिया, आप हमारे साथ थोड़ा उनका प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी भी प्रैक्टिस करनी होती है क्या पगली? हाँ, आप हमारे साथ थोड़ा रोमांटिक बातें कीजिए। चलिए शुरू हो जाइए, एक्शन। हेलो मर्यादा। हेलो। आई लव यू मर्यादा। इतना जल्दी लव यू? तो क्या 3 साल लगाने हैं? तुम्हें ने तो कहा ना कि सिर्फ 3 दिन का वक्त है, तो एक ही बारे में आई लव यू कह देना सही है। लेकिन वो आपको पसंद ना ही करेगी तो? उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं नहीं फिर भी कछु रोमांटिक गाना गाइए, कछु तो कीजिए। मर्यादा को ना मुकेश के गाने बहुत पसंद है, कौनो मुकेश का गाना छेड़िए। तुम्हें मर्यादा के बारे में कुछ ज्यादा ही जानकारी नहीं है पगली? हाँ ना लड्डू के भैया, आप जानना तो पड़ेगा ना, वो तो बेचारी कछु दिन की मेहमान है, हम सबको का ध्यान रखना चाहिए। आई दिस समय भैया। मर्यादा भैया। मेरी बहन कैसी है तू? हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बैठ बैठ बैठ, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। आह इट्स ग्रेट टू सी यू मैन। यह जाको है ना, मकान की जरूरत धैर्य थी, हमने सोचा यहाँ पर लेके आए तो यहाँ लेके आ गए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। एक्सक्यूज मी, कान लाएंगे? थैंक्स से काम ना चलने का, एक एक क्वार्टर देना पड़ेगा। इधर आओ। तो मेरी बहन आई हुई है, आज के दिन मैं किसी को सोतूंगा नहीं, तो चुप करके यहाँ से निकल लो। तुम्हारी बहन की रेस्पेक्ट करते इसलिए चुप हो जाते हैं। मैं भी तेरी बहन की बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ इसलिए चुप हूँ। चल निकल ले। माइंड योर लैंग्वेज, चल जा। और बहना ये बता, कितने अरसे के बाद तुझे देखा है मैंने। माय गॉड, लास्ट टाइम देखा था जब तू 12 साल की थी। यू सो स्मॉल, लेकिन तुझे मालूम है मैं तुझे हमेशा याद करता था, हमेशा याद करता था, ऑलवेज। जाओ भैया, मैं तुमसे बात नहीं करती, अगर इतनी याद आती थी तो फिर मिलने क्यों नहीं आए? अरे यार क्या बताऊं बहना, तेरे भाई की मजबूरियां हैं, तेरे भाई के पैरों में
गुलामी की जंजीरें पड़ी हुई हैं। भाई बहन अकेले अकेले बातें करते रहेंगे या हमारा भी इंट्रोडक्शन कराएंगे अपनी डियर सिस्टर से? ऑफ कोर्स व्हाई नॉट मर्यादा, ये मेरी वाइफ है अनु, और अनु ये मेरी दूर की बुआ की लड़की है मर्यादा, और ये है चाचा जी, ये तुम्हारे बारे में नहीं जानते हैं और ना ही तुम इनके बारे में जानती, और ना इनके बारे में जानना जरूरी भी है। नमस्ते। जीती रहे बेटा। हेलो मर्यादा। तेरे बारे में सुन के जो है मुझे बहुत दुख हुआ कि तू सिर्फ 3 दिन की मेहमान है, अब आधा दिन तो निकल गया, अब तो तू 2.5 दिन की रह गई। क्या दुख की बातें कर रहे हैं, किसी के सामने ऐसी बातें करते हैं क्या? अरे यार इसके बारे में उसे तो सब पता है ना। अरे फिर भी आप मुंह पे ऐसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है भाई, मैं अपने अल्फाज वापस ले रहा हूँ। मैं ना इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये सठिया गए हैं और इनका जो दिमाग है ना वो थोड़ा हिल गया है। भाभी आप तो बहुत गोरी और क्यूट हो, भैया तो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाते होंगे। कोशिश करते हैं। I mean, of course, I mean, she's ultimate thing for me. Oh, yes, मैं तुम्हारे लिए चाय पानी का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ विभो, तुम चाय पानी का इंतजाम करो, हम लोग लॉन में बैठकर वेट करते हैं। ग्रेट, यस, तुम लोग लॉन में बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी वहीं लेके आता हूँ। जी भैया। चलो आज कॉफी लेंगे आप? हाँ कॉफी पी लूंगा। अपने बना लीजिए। कम कम मर्यादा कम, आइए चाय। आ रहा हूँ। ये आदमी ना बड़ा अजीब है। मर्यादा तुमने ग्रेजुएशन किया है? हाँ भाभी, मैं तो अपने कॉलेज की टॉपर रही हूँ। अरे वाह, कौन से कॉलेज से टॉप किया है तुमने? दुर्रा प्रेमनगर की कटोरी देवी डिग्री कॉलेज। कटोरी देवी डिग्री कॉलेज? कटोरी देवी हमारे दुर्रा प्रेमनगर की सबसे बड़ी हस्ती हैं, उन्होंने शादी नहीं की। क्यों नहीं की उन्होंने शादी? उनका मानना था कि शादी से ज़्यादा अच्छा प्रेम होता है, शादी मत करो सिर्फ प्रेम करो। उन्हें एक मर्द में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो कहती थी कि एक साथ कई मर्दों को मिला करके एक कंप्लीट मर्द बनता है। लगता है उनकी ऑटोबायोग्राफी तुमने काफी बारीकी से पढ़ी है। हाँ ना, मैं उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। वैसे तुमने आज तक कितने लड़कों से प्यार किया है मर्यादा? मैंने बहुत लड़कों से प्यार किया है लेकिन मुझे किसी ने प्यार नहीं किया। अब जो इंटेलिजेंट होगा वो तो नहीं करेगा, कोई बेवकूफी तुम्हारी बातों में आ सकता है। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? ओ, हु इज दिस प्रिटी लेडी स्टैंडिंग विद यू? हाय मनमोहन, मीट माय सिस्टर इन लॉ मर्यादा। ओह वाओ, मर्यादा, वेरी इंटरेस्टिंग नेम, साउंडिंग सो कल्चर्ड, लुकिंग आल्सो कल्चर्ड। बे तू दिखने में लग रही है खच्चर। चुप। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।